सर इस टाइम पे अगर मैं ग्रेफाइट इंडिया का चार्ट देखूं तो उसके बाइंग लेवल्स क्या होने चाहिए, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए? बहुत बढ़िया स्टॉक है एक्चुअली। ये स्टॉक को मैं कई बार पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, इनफैक्ट 2024-2025 के लिए। इसीलिए जब स्टॉक की रिकमेंडेशन की बात आती है तो मैं इस स्टॉक को नहीं लेता हूँ, क्योंकि बहुत पहले ही मैं इसको रिकमेंड किया कर चुका हूँ और मैं खुद इसमें इन्वेस्टेड हूँ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने इसके इसको इसकी बात नहीं की। अदरवाइज आज मेरे स्टॉक लिस्ट में ये था भी, बट चूंकि पहले कर चुका है इसलिए इसकी बात नहीं की थी। बट हाँ, आपके दर्शकों ने पूछा है अगर 399 के ऊपर में, मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया स्टॉक है, कभी भी इसके अंदर हमें नीचे लेवल मिलता जाता आप इसके अंदर बाई करते रहे। स्विंग ट्रेड के हिसाब से अगर मैं बात बात करता हूँ लॉन्ग टर्म, तो नजरिए बहुत ही पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के अंदर में। ये 2024-2025 तक में मुझे ये स्टॉक मिनिमम 800 850 900 का लेवल दिखता है। बट हाँ, स्विंग ट्रेड के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो नंबर्स और प्लैनेट जो है वो 399 के आसपास में, इसको थोड़ा सा भी डाइसी सिचुएशन है। अगर आपको बाइंग में जाना है अगर इसके अंदर में, तो आप 411 के ऊपर ही बाइंग में जाओ। आपको 411 के ऊपर जाने से आपको इमीडिएटली 30-45 डेज के अंदर में 485 तक का लेवल मिल जाएगा। 411 के ऊपर अगर चलता है तो 485 तक का लेवल मिल जाएगा, जो कि आपको स्विंग ट्रेड में आपको इमीडिएटली प्रॉफिट देता है। जिस जगह में फिलहाल अभी स्टैंड कर रहा है 399-400 के आसपास में, यहां से स्विंग ट्रेड में देखो नीचे में नियर अबाउट 441 या नहीं तो फिर 430 रुपए तक भी उतर सकता है, चांसेस है। इसीलिए मैंने बोला अभी जिस जगह पर स्टॉक खड़ा है वो थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन है। बाइंग 411 के ऊपर बनती है और नीचे अगर 380 के नीचे अगर एक भी दिन अगर क्लोजिंग दे देता है तो मैं बोलूंगा एक बार इस स्टॉक से बाहर निकल जाने के लिए। यह स्विंग ट्रेड आपको लेना है शॉर्ट साइड में, अगर तो 380 के नीचे क्लोजिंग देते ही आप शॉर्ट बनाओ, 350-330 तक का टारगेट बनता है जी। तो ये थी राय ग्रेफाइट इंडिया के अंदर।